नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का नंबर वन चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुलिस थाने के पास ही परचून की दुकान से चोरी। एक ही दुकान में दो साल में तीसरी बार चोरी। धौलपुर शहर में निहालगंज पुलिस थाने के पास बीती रात को चोरों ने एक बार फिर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर ने परचून की दुकान को निशाना बनाते हुए दो साल में तीसरी बार दुकान में चोरी की वारदात की है। चोर दुकान से नकदी सहित करीब 40,000 रुपए का माल पार कर ले गए हैं। पीड़ित दुकानदार सुनील गर्ग पुत्र राम रतन ने बताया कि पुरानी सब्जी मंडी धौलपुर में उसकी परचून की दुकान है। गुरुवार रात को वह अपनी दुकान का ताला लगा कर घर चला गया था। सुबह के पहर पड़ोसी दुकानदारों ने उसे चोरी की सूचना दी। सूचना पर वह दुकान पर पहुंचा, तब दुकान में चोरी की वारदात का पता चला। पीड़ित ने बताया कि चोर दुकान के मेन गेट को तोड़कर अंदर घुसे, जो दुकान में रखी करीब 2,000 रुपए की नकदी के साथ 40,000 रुपए के गुटखा, बीड़ी और अन्य सामान को चुरा ले गए हैं। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि इससे पूर्व दो साल में चोर 3 बार उसकी दुकान में चोरी कर चुके हैं। क्या हुआ था? फोन आया पड़ोसी दुकानदारों का कि आपकी दुकान में चोरी हो रही है। दौड़ते हुए आए तो पता चला कि दुकान में गेट को तोड़ के और तत्काल 40,000 रुपये का सामान बन गया। नकदी कितने थे? नकदी